सांझी रसोई जिसनों की करफ्यू लगन तो बाद बंद कर दिता गया सी उसनों एक बार फिर तो क्वारंटाइन किए गए नंदेड़ साहब तो परते श्रद्धालुओं के लिए खोल दिता गया है। जिक्र खास है कि लॉकडाउन तो पहला रोजाना करीब 700 लोगों को सिर्फ 10 रुपए के विच दोपहर का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही रैड क्रॉस के वलों संचालित सांझी रसोई जिले के विच क्वारंटाइन किए गए नंदेड़ साहब तो परते श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए फिर तो प्रशासन के वलों शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के चलते बंद की गई सांझी रसोई हुण रोजाना करीब 250 लोगों तक 3 वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही है। सांझी रसोई जिहड़ा असी भोजन की व्यवस्था शुरू की है, ये देखा जाया सी कि जिहड़े धार्मिक यात्री जिहड़े आए हैं अलग अलग जगह तो उन्होंने शुरू चा खाना खाने से थोड़ी बहुत क्वालिटी ऑफ फूड के लिटिल बिट कोई इशूज आ रहे थे। तो उसके मानयोग डिप्टी कमिश्नर श्री अपनीत रियाज जी मैडम IAS जी ने उन्होंने फिर किया कि सांझी रसोई में फिर रिवाइव करके उन्होंने बेस्ट अपग्रेडिड फूड विचेवर द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल वो प्रोवाइड कराया जाए ताकि उन्होंने अपने घर क्वारंटाइन रहने के कोई डिफिकल्टी ना आए। उस सिलसिले में जिला रेड क्रॉस सोसायटी जी सांझी रसोई हमेशा तो चला रही थी 3-4 साल तो टैंपररी हॉल्ट करना पाया सांझी रसोई में बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग करके। तो उसलिए सिर्फ क्वारंटाइन जिहड़े परसनस ने क्वारंटीन ने जो सिर्फ उन्होंने वास्ते ही फूड जरा बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी असी तैयार करवा रहे हैं। तो उस तो बाद सानू बहुत जबरदस्त फीडबैक आई है, वो बहुत ज़्यादा खुश ने सैटिस्फाइड ने और उन्होंने लगता कि उन्होंने भोजन घर तो भी अच्छा मिल रहा है। किन्ने बंद रोज़ खाना जा रहे जी इतना इतने नंबर ऑफ क्वारंटाइन पीपल जो डायनामिक है बिटवीन 150 to 250 के रोज़ खाना जाता है क्वारंटाइन एंड सम जो मैनेजमेंट के नाम ने व्यवस्था ने उन्होंने भी खाना दो टाइम जा रहे तीन टाइम जा रहे ये ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीन टाइम खा। होशियारपुर तो गुरदीप सिंह की स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट TV NRI।